बेसिकली ये राइड पंकज के साथ में बहुत सालों से हम प्लान कर रहे हैं कि एक छोटा राइड किया जाए, और फिर हमने जब रिसर्च किया तो पता चला कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 42 है इंडिया में। तो अगर मैंने अगर 42 है तो लेट्स सी गुजरात में कितने हैं, तो पता चला गुजरात में 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। फिर हमने सोचा कि हम इंडियन ऑयल को नो वील गिव देम द थॉट प्रोसेस दैट ये ऐसा हम करना करने जा रहे हैं। 1047 किलोमीटर्स का राइड है। द आइडिया इज़ कि हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, साइकिल बीइंग अ व्हीकल जो पोल्यूशन कम करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। काफ़ी सारा हम इसके थ्रू एक मुहिम बताना चाहते हैं। इंडियन ऑयल का एक मुहिम है स्पीक अप फॉर द प्लैनेट। जो लोग छोटे छोटे अपने सिटी में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए करते हैं, हम उनको उभार के लेके आना चाहते हैं। जो कल्चर, क्विजीन, आर्टिजन्स, सारे जो लोग अपने अपने छोटे गांव शहर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, साइकिल के ज़रिए हम उनको मिलना चाहते हैं, और उनको हम उनको वी शुड बी डेफिनेटली लाइक टू हाईलाइट देम थ्रू आवर जर्नी। आज मुंबई से मैं फर्स्ट टाइम किसके पहले कुछ किया हुआ आपने? मैंने पहले टूर ऑफ तमिलनाडु 2 बार किया है, और टूर ऑफ नीलगिरी ये 1 बार किया है। ये भी मल्टी डे टूर है, विच मीन्स कि हर एक दिन में 100 किलोमीटर्स करना पड़ता है। तो ये हमारा पूरा अटेम्प्ट 1047 का है, तो दिन का 100 किलोमीटर्स के करीब कोशिश होगी करने के लिए। और हमारे सपोर्ट व्हीकल भी है एंड टेक्निकल पर्सन है पंकज, तो डेफिनेटली ही इज़ देयर एज अ बिग सपोर्ट फॉर मी, बिकॉज अकेले करने से अच्छा है जब आपके पास एक राइडर है। जो हमने मिलके एक राइड किया 200 किलोमीटर का, 13 घंटे में ख़त्म किया है ये। और ये हमने ऐसी छोटी वाली बाइसिकल ना फोल्डी, हम दोनों ने फोल्डी वाली बाइसिकल में 13 घंटे में ख़त्म किया है। तो सिंस देन ये एक था क्या, चलो एक राइड किया जाए। तो ये 1047 का हम लोग डेफिनेटली एक शुरुआत है हमारे लिए। नेक्स्ट ईयर ये बड़े में करने की कोशिश है। ये 42 है, ये सारे 42 को हम ज्वाइन करेंगे थ्रू द नेक्स्ट ईयर के लिए। ये फर्स्ट ईयर का एक हाईलाइट है बस। ये पूरी जर्नी जो है बाइसिकल से होगी? हाँ जी। और तो ये क्या खासियत है इस बाइसिकल की? ये बाइसिकल की खासियत है, पहली बात ये टूरिंग, ये बनी है टूरिंग के लिए। तो जब टूरिंग बोलते हैं तो ये एंड्योरेंस बाइसिकल होती है, कॉम्पिटिशन वाली नहीं है। कॉम्पिटिशन जो टूर दे फ्रांस वगैरह होता है वो कॉम्पिटिटिव वाली बाइसिकल होती है। टूरिंग वाली बाइसिकल एंड्योरेंस ज्योमेट्री होती है, और यहाँ पर आप बैग्स लगा के चल सकते, जो आपके सामान जो लगते हैं आपको टूरिंग के लिए, वो आप उसमें डाल के आप शुरू कर सकते हैं। और इसमें भगाना कुछ नहीं होता है, आप साइकिल्स के जाओ, धीरे से चलाओ, आजू बाजू का जो मौसम है, आजू बाजू की जो वादियाँ हैं, झाड़ पेड़ पत्ते, ये सारे लोग सारे एंजॉय करके हम डेफिनेटली जाएंगे। तभी हमने देखा कि मम्मी भूख हो गई थी। हाँ, ये अक्सर होता है कुछ की मम्मी है या फिर फैमिली है। हाँ, बस वही मम्मी को लगता है कि रिस्क है, और यू नो दिन का 100 किलोमीटर्स करना है, तो बस वो एक हर माँ का एक ये होता है। और मम्मी की वजह से मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, बचपन से साइकिलिंग कर रही हूँ, वो भी एक लंबी कहानी है, आज तो बता नहीं सकते। बट यस, उनके वजह से मैं आज साइकिलिस्ट हूँ। अच्छा, महिलाओं का क्या वैसे, खासतौर महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मुंबई की महिलाओं की, मुंबई की महिला, हमने 150 वुमेन को साइकिलिंग सिखाया है, वो मेरे लिए अभी रुके हैं सांता क्रूज पे। बट डेफिनेटली साइकिल ऐसी एक वाहन है जिससे पूरा वुमेन एम्पावरमेंट का एक मुहिम हम चलाने वाले। हमारा स्मार्ट कमिट फाउंडेशन में हमारा एक मुहिम है मी साइकिल राइडर प्रोग्राम, जहाँ पे हम लो इनकम वुमेन जो घर घर का काम करते हैं उनको हम साइकिल सिखाते हैं और साइकिल डोनेट करते हैं। और अभी स्किल डेवलपमेंट का पूरा प्लान है, उसके लिए हमारे कलीना कैंपस में हमको एक छोटी जगह मिली है। इनफैक्ट कलीना कैंपस के मैडम भी यहाँ पे अभी मौजूद हैं, और उन्होंने हमें जगह दी है कि जो प्रोटोटाइप करना है, जो साइकिल ट्रेनिंग करनी है, जितना चाहो वहाँ पे हमें पूरी आज़ादी है। कोई टूर है किस तरह से, कहाँ से कहाँ जाएंगे ऐसा कुछ? तो हम यहाँ से पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद हम जाएंगे चंपानेर से बड़ोड़ा, बड़ोड़ा से आनंद अमूल की फैक्ट्री, वहाँ से हम जाएंगे
अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद रानी का वाव, रानी का वाव के बाद हम जाएंगे लिटिल रान ऑफ कच्छ और उसके बाद डोलावीरा। इसमें से चार जगह हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गुजरात में। आपके साथ और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? पहली बात, इंडियन ऑयल का जो पार्टनरशिप है वो कई सालों से है, जब से मैंने एनजीओ शुरू किया है, तो सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एनजीओ टू सस्टेन। इंडियन ऑयल हमेशा बीन वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट जो जो मुहिम शुरू की हमने स्मार्ट कमिट फाउंडेशन में, इनका हमेशा हमारे साथ में साथ रहा है। जो हमारे चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव सर हैं, उन वो भी काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं। दास सर हैं, शर्मा जी हैं, उनको पता है कि साइकिलिंग के ज़रिए बहुत सारे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं एनवायरनमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, उसके थ्रू हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो हमारी मुहिम तो वही है कि हम साइकिल चला सिटी बचा, जो हमारा सही में मुहिम है वो हम ज़रूर बरकरार रखें ये मुंबई सिटी के लिए। लास्ट वन, आप ड्यूरिंग ये काफ़ी लोग मिल रहे हैं, वो प्रोग्राम कैसे कैसे अवेयरनेस कैसे मिलेगा, लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हैं, क्या होने वाला है? सो हमारे जो पार्टनर हैं, बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन है हमारे पार्टनर, BLLA और रोटरी, तो हमें जगह जगह पे पूरा सपोर्ट है उनका। तो हम जहाँ पे भी हमारा पॉइंट होगा, जहाँ लाइक अभी हम जा रहे हैं मनूर, तो रोटरी ने वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया स्कूल के बच्चों लोगों के साथ में इंटरेक्शन, फिर वहाँ पे हमारा स्टे वगैरह होगा। सिमिलरली वलसाड में ऐसा है, अंकलेश्वर में, तो जहाँ जहाँ हम रोटरी का सपोर्ट है, बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन का सपोर्ट है, वहाँ पे हमारा छोटा सा मीटअप वगैरह होगा फॉर बेसिक इंटरेक्शन। और हम ये मुहिम को मुंबई में सीमित ना रह के मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात तक पूरा ये हम फैलाना चाहते हैं। बता ही दिया ऑलरेडी जो भी डिटेल्स है रूट का और क्या मिशन है। बेसिकली वो जो है अभी 10-12 साल से ऑलरेडी साइकिलिंग अवेयरनेस नॉट ओनली बॉम्बे, विद इन कंट्री का एक कैंपेन चल रहा है, गो ग्रीन का भी कैंपेन चल रहा है। बस वही अभी सस्टेनेबिलिटी लाइफ स्टाइल प्रमोट करना है, लाइक लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक जितना हो सके वो प्रमोट करते जाएंगे, और जितने भी रूट में साइकिलिंग ग्रुप्स मिलेंगे, साइकिलिस्ट मिलेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे एंड ट्राई टू प्रमोट एज मच एज पॉसिबल। आप कब से कर रहे हो, कब से ये सब साइकिलिंग में? लॉन्ग डिस्टेंस 12 इयर्स से कर रहा हूँ, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से हाईवे पे चलते हैं। जब आपको ये बताया गया फिरोज जी ने, या किसने बताया था पहले? फिरोज, हम लोग ने डिस्कस किया था ऑलरेडी, ये बहुत लंबा प्लान था, ये करना ही एक दिन लॉन्ग टूरिंग टाइम, तो ये थोड़ा बिल्डअप हो गया था। पहले नवसारी का प्लान बना, फिर थोड़ा धोलावीरा बेसिकली एक टूरिज्म स्पॉट है और हम लोग को टूरिज्म भी प्रमोट करना है ऑन द वे, तो धोलावीरा से अच्छा जगह नहीं। अगर आपको पता है वाइट रन ऑफ कच्छ, इट्स वेरी गुड, बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअल ब्यूटी क्या है। तो जब तक हम लोग दिखाएंगे नहीं सोशल मीडिया पे, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। सो एज अ टूरिज्म प्रमोट करने के हिसाब से वो, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक्स।